चैलेंजेज विद द इलेक्शन या चुनाव के साथ चुनौतियां, ऐसा हेडिंग बनाइए। ठीक है, चुनाव के साथ चुनौतियां, ठीक शब्द में ही असर। एग्जाम में अभी तक जो हम आपको पढ़ा रहे थे ना, कुछ पीछे दो एक लेक्चर छोड़ दीजिए, उसके पहले वह सिर्फ हम आपको संविधान में क्या लिखा है बता रहे थे। अब वो बताने जा रहे हैं जो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसके जाने बगैर भी ये जान नहीं पाएंगे ना, इसको जाने बगैर भी जान नहीं पाएंगे। जैसे इस कमरे में हम डस्टबिन लेके घूम रहे हो तो यहां डस्ट दिखाई दे रही नहीं ना, लेकिन झाड़ू लगा के कोने में डस्ट कर दिया जाए तो अब डस्टबिन का उपयोग कर सकते हैं। तो डस्टबिन से पहले झाड़ू लगाओ, कमरे में घुसे डस्टबिन लेके, कूड़ा कहाँ है? कूड़ा दिख रहा है नहीं ना, तो पहले झाड़ू लेके घुसो। जब झाड़ू आते हुए कोने में पहुंच जाएंगे तो इतना कूड़ा निकलेगा, अब डस्टबिन का इस्तेमाल होगा। संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी तरह पढ़ा, पहले तो संविधान में चुनाव को लेके क्या लिखा गया है आपने 324 से 329 के बीच चर्चा कर लिया, जो उसके तथ्यात्मक और कंसेप्चुअल बिहेवियर थे उसको अपनी नोटबुक में कॉपी में थोड़ा उतार लिया। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन और इंटेंसिव एनालिसिस की। इंटेंसिव एनालिसिस का मतलब हिंदी में होता सघन विश्लेषण, है ना। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग। जब आप एप्लीकेशन की बात करते हैं और इंटेंसिव एनालिसिस की बात करते हैं तो इन दोनों का बेसिक थीम अब जरूरत है। इसके पहले आप क्या कर रहे थे, तथ्य और कंसेप्ट पर जोर दे रहे थे। कुछ इंटेंसिव एनालिसिस तब हुआ जब हम मेयर वगैरह या कहीं का चुनाव उनाव का वर्णन बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, फिर मोबाइल से क्यों जोड़ रहे हो, फिर आधार से कैसे कर रहे हो, ये भी उसी का पार्ट है। एक दो लेक्चर बोला ना, एक्सेप्ट एक दो लेक्चर छोड़ दीजिए अभी, तो पीछे वाले सब फैक्ट और कंसेप्ट पर थे। अब हम चल रहे हैं एप्लीकेशन और इंटेंसिव, जो आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक। तो कंसेप्ट और फैक्ट वाली चीजें एक बार ठीक से दिमाग ठीक करके पढ़ करके छोड़ देना चाहिए, और जब भी कोई पूछे उसको समझा देना चाहिए। होता यह है कि स्टूडेंट जो है दो ही पैटर्न में, पहले शुरू के दो ही फॉर्मेशन में लगा रहता है, इसीलिए तो सिविल सर्वेंट्स में होता नहीं उसका सिलेक्शन, दोनों अलग। वही वो क्या करेगा, फैक्ट में और कंसेप्ट में, इसी को संभालने में पूरा वर्षों बरस लगाए रहता है। अगर आपका फैक्ट, मान लो 324 में क्या लिखा है ये फैक्ट है, और 324 का कंसेप्चुअल एस्पेक्ट भी आपको पता चल गया। एग्जाम्पल के तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत एक कंप्लीट जस्टिस देता है। अब आप अगर चुनाव की चुनौतियां लिख रहे हो, चुनाव में चैलेंजेस की बात आ रही हो, तो आपका कंसेप्ट यह क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक प्रकार से उसकी डिस्क्रिशनरी समझो पावर है, और उसमें कंप्लीट जस्टिस की बात कही गई है, और चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर के उसने जो दूसरी पार्टी के मेयर को जीता हुआ घोषित कर दिया, यह आर्टिकल 142 का इस्तेमाल है। इस्तेमाल तो अयोध्या मामले में भी हुआ,
इस्तेमाल तो राइट टू एजुकेशन में भी हुआ, इस्तेमाल तो जो आधी सजा काट रहे जेल में है ट्रायल उनका भी हुआ, महिलाओं के कुछ केसेस में कमीशन पर भी हुआ, लेकिन अप्लाई कौन होगा? अप्लाई होगा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव यहां पर, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। आप जब चुनाव पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 142 को अगर अयोध्या से जोड़ देंगे तो कोई मतलब निकला? राइट टू एजुकेशन से जोड़ देंगे कोई मतलब निकला? एप्लीकेशन कहां बन रहा है उसका? एप्लीकेशन बन रहा है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हुई गड़बड़ी से। तो इलेक्शन का एप्लीकेशन इलेक्शन से लोगे ना यार, किचन में बाथरूम में तुम कलछुल ढूंढोगे क्या? चम्मच कहां है बोले बाथरूम में है? बना जगह बना। तो जब चुनाव लिख रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन पार्ट को लाएंगे तो यहां एप्लीकेशन को कनेक्ट कर देंगे। आपका फैक्ट क्लियर था, कंसेप्ट भी क्लियर था, अब एप्लीकेशन क्लियर हो गया। होता यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है कि इन्हीं दो चीज में उलझा रहेगा, याद नहीं रहता ना आप लोगों को, इसी दो को याद करने में ही पूरी उम्र खपाते रहते हैं। इस तरफ दिमाग ही नहीं जाता है भाई। आपने इलेक्शन कमीशन को देखा कि उसका काम है सुपरवाइज करना, उसका काम है डायरेक्शन देना, उसका काम है कंट्रोल। आप ये तीन चीज को ही रटने में रह जाते हैं, ये तो फैक्ट है। अभी हम पूछ लें कि निर्वाचन आयोग का क्या काम है तो पता चला इसी में लड़खड़ा गिर जाएंगे। ये तो नाखून की तरह है ना, कभी कभी दांत से चबा के फेंक दो। ये थोड़ी ना ऑपरेशन थिएटर में जाना नाखून कटवाने के लिए गए हो ओटी में। सुने हैं किसी को कि यार उनके नाखून बहुत लंबे हो गए थे, वो ऑपरेशन थिएटर गए नाखून कटवाने, उनको बेहोश किया गया तब नाखून काटा जा रहा है। ये अप्लाई होता है? ये तो ऐसे आदमी दांत से चबा के फेंक देता है। तो कोई फैक्ट है, कंसेप्ट है तो तुम्हारे सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए तो वही ऐसे ऐसे बैठे बैठे काट दो, लेकिन तुम लोग इसी में लगे रह जाते हो, एप्लीकेशन तक पहुंचते ही नहीं। अब इलेक्शन में आ गई चुनौती, इलेक्शन में चुनौती क्या आ गई? रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट ही रद्द कर दिया, ये चैलेंज है ना? अरे यार समस्या बढ़ाएगी नहीं, चैलेंज मतलब समस्या, उसको प्रॉब्लम समझो तुम। तो जो ये प्रॉब्लम्स वाले हैं ये उस जगह क्या कर रहे हैं भाई? ये निगेटिव लोगों को क्यों रखा है आपने? चलो मान लिया गलती से आ गए, गड़बड़ कर दिए, तो समाधान खोजो। समाधान क्या है? जाओ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, जाओ सेक्शन 80 में, जाओ हाई कोर्ट, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? आर्टिकल 142 बोला उसको मेयर बनाओ, दूसरा वाला। अब तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा 340 में, झूठ बोलने का, तथ्य गलत पेश करने का और लोकतंत्र की हत्या करने का। हुआ समाधान? तो चैलेंज बिना समाधान के नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं मालूम है? सिर्फ चैलेंज क्रिएट करते हैं, समाधान नहीं खोजते। चैलेंज क्या है? मैंने पूछा कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, अगल बगल झांकेंगे, दाएं बाएं झांकेंगे, ये फर्श में दो तीन फीट का गड्ढा होता तो गिर गए होते चाट छठू। क्योंकि मन मोर महुआ चित मोर भुसौले, क्लास में शरीर से तो बैठते हैं मन लेके नहीं बैठते हैं। मन कहीं, चित कहीं, शरीर कहीं, तो कहां समझ में आएगा?
तो कंसेप्ट और फैक्ट को जब आप एक बार समझ लिए ना, तो बस खत्म करो। जैसे हम लोग एक कुछ जूता ले लेते हैं, तो रोज जूतवा झांकते हैं क्या? क्यों बच्चा? एक जैकेट लाए हो बाजार से, तो जैकेट पहन के चल देते हो ना बाजार, कि रोज जैकेट को देखते हो आधा घंटा? हाँ नहीं, आप बताइए। आप एक जैकेट गए बाजार से उठा के लाए, और रोज 15 से 20 मिनट पहले उसको देखते हो तब पहनते हो? हाँ आप हवाई चप्पल तिजोरी से निकालते हो, अभी घर जाओगे तो हवाई चप्पल के लिए ताला खोलोगे कहीं तिजोरी का, यहाँ वहाँ पड़ा हो, जूता उतार दिए, फिर जूता पहनना हुआ तो कितने घंटे खोजते हो जूता? 2-3 दिन। अरे यहाँ नहीं होगा, वहाँ होगा, हो गया। ये सब फैक्ट हैं। गाड़ी की चाबी कहीं भी रख देते हो, जब जाने लगते हो तो फ्रिज पे नहीं मिलेगा, डाइनिंग टेबल पे यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ, ये सब उसके पोजिशनिंग है रखने के। यही सब स्थान है ना, तो हो गया ना। तो एक बार आपने पढ़ लिया, आपने का कंसेप्ट क्लियर, फैक्ट आ गया, चलो एप्लीकेशन और इंटेंसिव एनालिसिस में चलते हैं, जहां सिविल सर्विस से चोट करता है। तो जब सवाल देखते हो तो चक्कर खा गिर जाते हो, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। आर्टिकल 324 में लिखा है, 325 में वो लिखा है, 326 में कुछ और लिखा है, 27, 28, 29 में कुछ ने कुछ लिखा ही है, इसी में आपने उम्र काट दिया। काहे? चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर गड़बड़ करेगा तब क्या चैलेंजेज आएंगे, ई कौन पढ़ेगा? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात को चैलेंज में लिखते समय कहां अप्लाई करेंगे, ये कौन समझाएगा? ये सब आता है एप्लीकेशन और इंटेंसिव एनालिसिस की समझ से। जो समस्याओं को चुराता नहीं है, समस्याओं के सामने खड़ा होकर उसको आंख दिखाता है। एक होता है समस्या चुराना, शुतुरमुर्ग का नाम सुने ना? शुतुरमुर्ग क्या करता है जब समस्या आती है तो क्या करता है वो? जब खतरा आता है उस पर तो क्या करता है वो? रेत में मुंह डाल देता है। रेत में मुंह डालने से समस्या खत्म होगी? नहीं। तो आपको जब कोई चीज नई आती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने से जो समस्या पीछे खड़ी है वो तो परीक्षा में आपको रौंद देगी, खत्म कर देगी आपको। तो रेत में मुंह डालने से बात नहीं बनेगी, को समझे ना? समस्या के सामने खड़े होकर के स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, इससे कैसे निपटे, उसके लिए अपना माइंड अप्लाई करना होता है, दैट इज एप्लीकेशन। ठीक है ना? नियति नहीं मान सकते ना, कोई व्यक्ति हमको चैलेंज दे रहा है, हम नियति नहीं मान सकते कि हम कमजोर हैं इसलिए चैलेंज दे रहा है। हम ये नीति भी बना सकते हैं कि ये उल्लू का पट्टा कैसे चैलेंज दे सकता है, इससे क्यों नहीं निपट सकते हम, इसकी कैसी मजाल, और फिर ऐसा क्या है भाई कि इसमें बहुत सींग लगे हैं, हम सींग नहीं हैं, देख लेते हैं इसको। लेकिन नियत मान लेंगे तो, किस्मत मान लेंगे तो, भाग्य मान लेंगे तो रौंदवाते रहिए फिर लोगों से, रौंदिए ना। स्ट्रेटजी चाहिए, जब चैलेंज आता है तो आपको स्ट्रेटजी चाहिए। इलेक्शन में गड़बड़ी का चैलेंज आया, स्ट्रेटजी आ गई सामने, सलूशन मिलेगा। तो चुनाव के साथ चुनौतियां चलती रहती हैं। अब पहली चुनौती क्या है? पहली चुनौती यह है कि राजनीति जो है अपराधीकरण से मुक्त ही नहीं हो रही है। अभी 2024 का जो अप्रैल मई का महीना है, ये वोटिंग का महीना है, आचार संहिता कुछ ही दिनों में लग जाएगी, यानी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, डेट तारीख दिन आ जाएंगे,
जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पे, और भी जितने नाम हो सकते हैं, इनके अलावा बाहुबली, धनबली, जो जहाँ से जैसा सिक्का चल जाएगा उसको राजनीति में हिस्सा हो जाएगा और उन्हीं में से लोग जीत के जाएंगे। भाई जो 11 खिलाड़ी खेलता वही लोग रन बनाएंगे, भले ही दर्शक दीर्घा में बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी बैठा है, जब सिलेक्ट ही नहीं तो खेलेगा ही नहीं, चाहे उसके सारे विकेट 40 रन पर गिर जाएं तब भी नहीं खेलेगा। तो जो पर्चा भरेगा वही चुनाव में लड़ेगा, उसी में से कोई जीतेगा। तो बाहुबली और अपराध वाले, धनबली सब रहते हैं वहां। तो चुनाव के साथ चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती क्या है, राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण। अगर राजनीति में अपराध को घुसेड़ेंगे तो राजनीति क्या हो जाएगी, राजनीति में अपराधीकरण, और अपराधियों में राजनीति घुसेड़ेंगे तो राजनीति का अपराधीकरण कर देंगे। अपराधीकरण कर दिया इधर से भी, इधर किसी भी एंगल से, अरे दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, नुकसान तो दूध का ही होना है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू एडीआर, व्हाट डू मीन एडीआर, एडीआर क्या है, एडीआर क्रिमिनल्स के लोगों का रिपोर्ट देता है ना। लिखो, 187 MPs इन लोकसभा, 187 MPs इन लोकसभा हैव क्रिमिनल चार्जेस। एंड 113 फेस्ड सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, ये हैं, ये लोग हैं। रीजन क्या है बेटा, क्यों ऐसा होता है, राजनीति का अपराधीकरण का रीजन, कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक हेडिंग बनाओ नीचे, कॉजेज ऑफ, हेडिंग बना बेटा, राजनीति का अपराधीकरण के कारण, तीन चार कारण लिखो, कोई तो कारण होगा ना, कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हर्षिता तुम क्लास में कभी कभी एक दो दिन छुट्टी ले ली थी क्या, कल हमें नहीं लगता तुम थी, ठीक है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण, अब आगे बोलूंगा बेटा, कौन सा हिंदी, एडीआर के मुताबिक या एडीआर के अनुसार लोकसभा में 187 सांसदों पर आपराधिक आरोप है, और 113 पर गंभीर आपराधिक आरोप है। मेहर, जब आप लॉ की क्लास में बैठते हैं तो लॉ की शब्दावली आपको अट्रैक्ट करती है। अच्छा, क्यों, लॉ की शब्दावली आपको अट्रैक्ट करती है या मतलब ऐसे ही रहता है। अच्छा, ओके। असल में जो टीचिंग का वे ऑफ टीचिंग है ना, वो स्वयं को समझने के लिए नहीं है, स्टूडेंट को ट्रकल करने का भी है, और उसकी जो समझने वाली टेक्निक है उसको आप समझे हों। जैसे एक मैकेनिक होता है ना, वो वही रिंच देता है दूसरे मैकेनिक को जिससे वो नट बोल्ट खोला जा सकता है,
अगर वो भी कंफ्यूज होकर के 4-6 रिंच उसको पकड़ा दिया, नहीं वो नट बोल्ट देख के समझ जाना चाहिए कि ये वाला पाना दे दो खोल देगा वो। तो वे ऑफ टीचिंग भी जो है ना उसी स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। हमें पता है कि आप कितनी देर कंसंट्रेट रह सकते हैं। अभी हम 2.5 घंटे की क्लास कंटिन्यूअस लिखा दें, आप दिक्कत में आ जाएंगे। सिर्फ बड़े बड़े टर्म्स के साथ, बड़े बड़े शब्दों के साथ बात समझा दिया जाए तब भी कंसंट्रेशन जो है बेसिकली, जैसे हमारा मानना है कि आधे घंटे, 35 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, हर लेवल का अलग अलग होता है। उसके बाद उसमें थोड़ी डाइवर्टिंग, उससे कोरिलेट करते हुए सिंप्लिसिटी आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ तो केवल कार चलाता रहूँ, कार चलाता रहूँ, सैचुरेटेड हो जाऊँगा। तो बिहारीगढ़ में थोड़ा यार रुकते हैं थोड़ी 2 मिनट, कार सुधरे तो चाय भी पी लो। ऐसे गए खतौली में कहीं ऐसे, अब दिल्ली के जाने का मज़ा ठीक हो जाएगा। नहीं भागते रहो भागते रहो। ठीक है, जैसे मैं ऐसा वैसे होगा नहीं, लेकिन मैं इस मत का भी हूँ कि जैसे आप 10वीं 12वीं का आजकल बोर्ड चल रहा है, तो आप जब शुरू में स्कूल में बच्चे जाते हैं तो 40 मिनट का उनका पीरियड होता है, ऑलमोस्ट यही होता है, 40-40 मिनट करके 4 पीरियड बिताते हैं, तो उनको बीच में ब्रेक मिल जाता है ना। कोई लाइब्रेरी में घूम रहा है, कोई पानी पीने चला गया, कोई टिफिन खा रहा है, मतलब अपना एक इनफॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, टीचिंग फीचिंग से बाहर हो गया वो। और फिर वो 5वें पीरियड में जब एंट्री करता है तो फिर वो सुबह जैसा ही थोड़ी फीलिंग लेके आता है, मतलब जो डस्ट थी वो झाड़ के आ गया, मतलब ठीक। तो आप 40 मिनट में पढ़ाए, क्योंकि ये माना जाता है कि एज के साथ जो कंसिस्टेंसी लेवल होती है वो बढ़ती जाती है। बच्चे को खिलौना दीजिए, 10 मिनट खेलता है, उसके बाद दूसरे खिलौने में लग जाता है। ये जैसे जैसे उम्र होती जाएगी उसकी कंसिस्टेंसी जो लेवल होती है पर्टिकुलर पर बड़ी होती जाती है। इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, ऐसे नहीं दिन भर कार चला रहा है, ऐसा नहीं करेगा। कार देंगे दिन भर नहीं, 10 मिनट चलाएगा छोड़ देगा, फिर कोने में पड़ी रहेगी, छुएगा भी नहीं, बस उतने उस सैचुरेटेड जल्दी जल्दी होता है। तो 10वीं के बच्चे भी इतने बड़े होते नहीं हैं, 12वीं के भी इतने बड़े नहीं होते। अब आपने उनको बड़ा मजबूत 3 घंटे का पेपर दे दिया, तो वो तो 40 मिनट में दूसरी कक्षा के आदि हैं। फिर 4 पीरियड यहाँ वहाँ कम ज़्यादा हुआ, फिर वहाँ लाइब्रेरी, कहीं कंप्यूटर में, कहीं 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 पानी पीने, टिफिन खाने, इसकी आदती हैं। अब आपने उनको 3 घंटे का पेपर दे दिया, ऊपर से आधा घंटा पहले बैठा दिया। भाई 10:30 का पेपर है, 10 बजे आपकी एंट्री है, और 1:30 बजे आप छूटेंगे, 3.5 घंटे के पैक हैं, और वो कंटिन्यूस वो क्वेश्चंस और हल करने में ही लगा रहता है वो, क्योंकि पेपर भी इतने हैवी होते हैं कि 3 घंटे में भी ही हो पाते हैं। तो जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ कि 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना चाहिए पेपर को, जैसे अ ब में डिवाइड कर दिया, और उसको बोला कि 1.5 घंटे में आ को तुम लोग कर लो, और कोई नहीं कर पाता है तो मान लो कुछ छूट गया तो उसको मौका है अपना दूसरे, अब 15-20 मिनट का ब्रेक दे दिया उसको, कि 20 मिनट का तुम्हारा ब्रेक है, कोई पानी पीने चला गया, कोई ये हो गया, लेकिन वो जो डिस्टरबेंस है थोड़ा एग्जाम में हो सकता है उसका कोई समाधान खोजा जा सकता है, बच्चे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं उसमें, तो बात ही कर लेंगे, है ना, पेपर तो देख ही लिया है। लेकिन अखंड करवा करके बा वाला जो खंड है उसको बाद में खोलने का परमिशन दीजिए भाई, तो बाद में खोले, 20 मिनट घूम टहल के नए सिरे से फिर पेपर दे, बूझ थोड़ा कम रहेगा,
3 घंटा 3.5 घंटा थोड़ा मुझे लगता है टफ है एक साथ। अभी जैसे 2.5 घंटा आपको हम पढ़ा दें, बता तो रहे इस एज में, जबकि आप SDM बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, मतलब जिंदगी के उस उम्र में उस मोड़ पर हैं जहां पर नाफरमानी या कार्य के प्रति बेईमानी नहीं विचारों में आता है, तब तो आप सेचुरेटेड हो ही जाते हैं। तो जरा सोचिए कि वो अभी हम आपको लिखित पेपर 1 घंटे का पेपर दे देते हैं जिसमें कई अब्सेंट हो जाते हैं कि 1 घंटा लिखना पड़ेगा और हमको लिख नहीं पाएंगे, अब्सेंट कर देते हैं, वो सोचिए 3-3 घंटा। तो एग्जाम से तो हर कोई थोड़ा डरता ही है, तो उस पढ़ाई को थोड़ा सा और अच्छा वे में बनाना चाहिए, है ना। चलो खैर अलग अलग बातें हैं। वोट बैंक की राजनीति पहला लिखो, वोट बैंक पॉलिटिक्स फर्स्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। हमने बोला कि कॉजेस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, है ना, ठीक है, कॉजेस फर्स्ट में लिखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। नेक्स्ट ब्लैक मनी इन इलेक्शंस, चुनाव में काला धन। नेक्स्ट लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। अंतर पार्टी लोकतंत्र का अभाव, लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। आगे लैक ऑफ एडिक्यूट डिटरेंस, पर्याप्त रोकथाम का अभाव। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, पर्याप्त रोकथाम का अभाव लिखें, ड्यू टू द लो लेवल ऑफ कन्विक्शंस, ड्यू टू द लो लेवल्स ऑफ कन्विक्शंस ऑफ MPs एंड MLAs, एंड डिलेज इन ट्रायल पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट, पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट डिट्रेड फ्रॉम गिविंग टिकट्स टू क्रिमिनल्स, टिकट टू क्रिमिनल। सांसदों और विधायकों की सजा के लिए निम्न स्तर और मुकदमों में देरी के कारण राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देने से नहीं कतराते, ठीक है, टिकट देने से नहीं कतराते। वो जानते हैं क्या हवाला देंगे, बोलेंगे सजा थोड़ी ना मिल गई, दोषी थोड़ी हो गए, ठीक है, अरे भाई आरोप लगा है, अभी तो कोर्ट ने थोड़ी ना सजा सुना दिया। तो इस चक्कर में क्या होता है, मुकदमे चलते रहते हैं, हमारे यहां जानते हैं जस्टिस डिनाय वाली थ्योरी चली रही, एक प्रकार से डिलेट कहते ना कि देर से मिला न्याय जो है भी अपने तरह का एक अन्याय है। तो क्रिमिनल्स या जो भी ये तरीके के लोग हैं उन पे जो मुकदमे होते हैं तो उन दल विशेष के लोग जो है इसलिए टिकट दे देते हैं कि अभी तो चल ही रहा है और तब तक उनका काम हो जाता है।
अरे यार, कोई व्यक्ति क्षेत्र विशेष में दबदबा रखता है और उससे एक दो सीट जीतने में उसका बड़ा वैल्यू हो सकता है, तो कोई भी राजनीतिक दल उस पर दो चार मुकदमे से उसको टिकट नहीं 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 देता है, ऐसा नहीं है, दे देगा, टिकट ही नहीं देगा, टीवी में बैठकर उसकी बड़ाई भी करेगा। भाई कोई भी राजनीतिक दल अपने किसी भी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी का मेंबर हो, दल का प्रवक्ता हो, या आगामी चुनाव उसको टिकट दिया हो, वह उसकी लूपोल की चर्चा क्यों करेगा टीवी पे बैठ के? ये राजनीतिक आरोप लगाते हैं, ये विरोधियों का काम है, और कोई अगर जोर से बोलेगा कि इन पर ये केसेस हैं, ये चार्जेस हैं, तो वो बोलेगा काहे, आपके नेता पे नहीं है केस, उस पे चार्ज नहीं है, वो हमेशा गलत का जवाब गलत से ही देता है, सही नहीं करता है। इसको बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप, और ये आई गई बात हल्ला गुल्ला होकर के टाइम खत्म, बात खत्म हो जाती है। और वह व्यक्ति जो है, जैसे हमने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बन चुका, मतलब हो चुका होता है, मतलब अनसुना कर दिया जाता है आवाज, जबकि जो टिकट दिया है जिस दल ने, उसको साफ साफ पता है कि यह क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी टिकट इसलिए देगा कि इसके टिकट देने से उस जाति विशेष का, उस वर्ग विशेष का, उस क्षेत्र विशेष का वोट हमारी तरफ आ सकता है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है, राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है, राजनीति में अपराध घुसेड़ दिया। इसलिए यार, कोई भी दल, किसी भी दल को आपको दूध का धुला नहीं मान सकते, मंच पे खड़े होकर कितना भी डींगे मारिए, लेकिन दूध का धुला कोई नहीं है, सब अपनी सियासी पैतरेबाजी और सत्ता की रोटी सेंकने की फिराक में रहते हैं, और उस पैतरेबाजी में अगर कोई अपराधी भी उनके दल को जिताने में मदद कर रहा है, तो उनके लिए दूध का धुला है, यह समझना जनता को है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज नहीं, सालों पहले यह कहा कि राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट्स को, जिनको टिकट दिए हैं, जनता के बारे में, जनता को उनके बारे में 3 बार सूचना दें, 3 टाइम। अभी आप देखिएगा 2024 के 18वीं लोकसभा के इलेक्शन में कहीं पर किसी आपराधिक व्यक्ति, जो कि वाकई में अपराधी है, उसके बारे में आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी, वो चुन करके चला जाएगा लोकसभा में। कौन देता है सूचना? अब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश आदेश दिया, यही लोग होते हैं जो पलीता लगाते हैं, अरे आप छांट के क्यों नहीं देते? छांट लो कि आदमी को नहीं देंगे टिकट, लेकिन आप देंगे, दे इसलिए देंगे कि वो जिताएगा। अब राजनीति का अपराधीकरण होना तय है। अरे एक चीज बताओ, अपराधी व्यक्ति अपराध से कैसे बचेगा? अपराध कर चुका है, सजा से कैसे बचेगा? कैसे वो समाज में अरे भाई, उसको कोई कपड़े में कमी है क्या, कार में कमी है क्या, भवन मकान में कमी है क्या? अपराध ही तो किया है, किसी चीज में कोई कमी नहीं, सिर्फ एक अपराध किया है। देखने, सुनने, बोलने, चालने, मिलने जुलने, आपके हित की सोचने में कोई दिक्कत थोड़ी है उसे, वो तो आपको बड़ा साधारण सा, बड़ा आम सा लगेगा। बावजूद इसके क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया जा सकता, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये होता रहा है और आगे भी संभवतः होता रहेगा, क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट है, पैसा देता है, चंदा देगा,
क्षेत्र विशेष का वोट देगा, जात के नाम पे देगा, गुंडागर्दी के नाम पे देगा, वो बना रहेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। और हम हर साल खड़े होकर के आपको चुनाव में आई चुनौतियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे राजनीति का प्राधिकरण, ये पिछले 22 साल से बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे, और होगा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में निर्देश आदेश दिया, उस पर भी राजनीतिक दल कौन सुन रहा है, क्यों सुनेगा, सबको तो सत्ता की हनक चाहिए, अपराध से मिले चाहे चाहे जैसा मिले। आरोप सुनते नहीं रहते कि उनके पार्टी में गए तो अपराध मुक्त हो गए, दूध के धुले हो गए। कितने लोगों पे देखे होंगे कि सरकारें छापा मारती हैं, कभी ईडी लगा देंगी, सीबीआई लगा देंगी, और वो महीने दो महीने में माहौल देखकर उनके पार्टी का सदस्य बन गया, ईडी पीडी सब खत्म। भाई गलत है तो गलत बाहर आना चाहिए, मतलब उस दल में जाएंगे तो आप साफ सुथरे हो गए, उस दल में रहेंगे तो आप अपराधी रहेंगे, यह भी एक स्वस्थ पॉलिटिक्स के लिए बेटर नहीं है, बेहतर नहीं है, है ना, क्योंकि यह भी लोकतंत्र के नींव में दो चार ईंटें कमजोर करना ही है। अब सुप्रीम कोर्ट कितनी लड़ाई लड़ेगी, जनता आप पे रूल करती है, जनता की सरकार होती है, आप ही के वोट से बनती है, आप समझिए, आप ही जानिए क्या करना है। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज जो हैं कल नहीं रहेंगे, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, इसे चल रहा है वहां भी, उनके संज्ञान में जो चीजें आ रही सही करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो जनता को भी कुछ समझना है। जैसे आप ही के माता पिता कहें भी किताब दे दिया, कॉपी दे दिया, फीस दे दिया, खाना खर्चा दे दिया, स्वास्थ्य पानी की चिंता करते हैं, बाकी क्या लिखा है संविधान में आप पढ़िए, हिस्ट्री में क्या लिखा है पढ़िए, बाकी आईएएस पीसीएस आईपीएस आपको बनना है आप जानिए, नहीं तो आज वो 55 के होंगे तो कल 60 हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। आवाज़ आज 25 के हैं, कोई 20 का है, 22-25 हो जाएगा, 30-32 हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी जीजिएगा, वो कौन सा ठेका लिए हुए हैं आपकी, मरने के बाद भी ठेका लेंगे क्या, घर जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा जो रहेगा वही आपको दे के चले जाएंगे, बाकी तो यहाँ के अफलातूनी जो चीज़ें हैं वो तो आप ही सहेंगे। शाम को निकले सर्दी लग गई तो सर्दी से कैसे बचें आपको सोचना है, पिताजी थोड़ी आग समझाते रहेंगे। तो ये पर्याप्त सांसदों और विधायकों को सजा के निम्न स्तर और मुकदमे में देरी के कारण राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देने से नहीं कतराते हैं। और आगे है लिखो, फास्ट पास्ट द पोस्ट, फास्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम, फास्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम। इसका मतलब जानते हैं बच्चा, इसको हिंदी में भी यही लिखो, फास्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली, क्या है ये, नहीं पता है क्या, हमारे यहां जो है ना बच्चा यही सिस्टम सिलेक्शन होता है। इस सिस्टम में क्या है कि जैसे माना किसी जगह पे 1,00,000 वोटर हैं, 1,00,000 वोटर हैं, ठीक, और 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसे समझो, 2 सिस्टम है हमारे यहां। जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो 50+1 की जरूरत पड़ती है, 50+1 समझ रहे हैं क्या हुआ, 50+1 51% नहीं, 1 वोट ज्यादा होना चाहिए आधे से, यानी
वन बाई टू प्लस वन होना चाहिए। अगर 100 वोट्स हैं तो 50 प्लस वन इक्वल टू 51 वाला ही जीतेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ एमएलए एमपी का इलेक्शन होता है इसमें ये वाला, ये फ्रांसीसी मॉडल है, ये हमारा फ्रेंच मॉडल बोला जाता है इसको, ये फ्रांस से लिया गया। क्या है? पोस्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे माना 1,00,000 वोटर हैं, है ना, 1,00,000 वोटर हैं और 5 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितने? 5 कैंडिडेट्स ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट माना ए है, उसको 30,000 वोट मिला। बी कैंडिडेट को 20,000 वोट मिला। सी कैंडिडेट को 10,000 वोट मिला। डी कैंडिडेट को भी 20,000 वोट मिला। चलो ऐसे कर करके वोट बट गया सब में 1,00,000। सबसे ज्यादा किसको वोट मिला? ए को। ए को कितना मिला, कितना मिला बच्चा? 30,000। वोटर कितने थे वहां पे, वोट कितना पड़ा वहां? 1,00,000 वोट पड़ा। और 30,000 सबसे ज्यादा पाया, पांच खड़े थे उसमें 30,000 पाने वाला सबसे ज्यादा था। तो 30,000 वाला क्या हो गया? 30,000 वोट जो इसने पाया वो क्या घोषित किया जाएगा? हाँ जी, उसको डिक्लेयर करोगे जीता हुआ? हाँ, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अरे वही तो जीता है, ये जीत गया। कितने लोगों में वोट में जीता? 1,00,000 वोट में 30,000 पाके जीत गया। 70,000 तो वोट पाया ही नहीं था वो, 70,000 बाकी पाए। तो हमारे यहां जो जीता हुआ व्यक्ति है, पकड़ रहे हो कि नहीं? कहां हम समझाने की चीज और जा रहे हैं यार, हमारा समझा करो यार, तकलीफ। हाँ, समझ गए कि नहीं? 30,000 पाने वाला यह बता रहा है कि 70,000 कहीं और बोट गया है, लेकिन जीता यही है। तो पार्लियामेंट में या विधानसभा में कौन जाकर बैठेगा? ये आदमी, ये वो आदमी है जिसको 70,000 लोगों ने पसंद ही नहीं किया उस इलाके का, यानी मेजॉरिटी में नापसंद है ये। ये आधे से ज्यादा लोगों को वोट लेके नहीं आया है। तो हमारे यहां जो ये मॉडल है इसमें ये है कि जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा, जबकि मॉडल क्या होना चाहिए, जो 50% से ज्यादा पाएगा वो जीतना चाहिए। जो राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग जात पात गुणा भाग अपराध जो भी है सबका गुणा भाग कर लेते हैं, हमारा इस जाति का वहां आदमी ज्यादा, चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए कहां यादव ज्यादा है, कहां मुसलमान ज्यादा है, कहां कुर्मी ज्यादा, कहां ठाकुर ज्यादा, कहां ब्राह्मण ज्यादा, कहां फलाना ज्यादा, कहां ढिमका ज्यादा, कहां ये ज्यादा वो ज्यादा, यही समीकरण भिड़ा के जातिगत मामला करते हैं। आप समझे ना? तो यह वाला सिस्टम भी राजनीति में अपराधीकरण का एक कारण तो नहीं है? जरा लिखिए एक लाइन। तो द एफटीपी, इसका हम शॉर्ट कर दिए एफटीपी, बोले तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पहले आओ और पहले खाओ। भाई जो ज्यादा पाया वो चलो, बाकी ठीक है, कोई 20 पाया कोई 10 पाया, ठीक है। एफटीपी लिखें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलाउज
अ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द बेसिस ऑफ प्लूरलिटी, प्लूरल से बनेगा, प्लूरल लिख लीजिए उसी में एल आई टी वाई करिएगा, प्लूरलिटी ऑफ वोट्स पोल्ड, थोड़ा हिंदी में लिखो, एफ पी टी पी चुनाव प्रणाली किसी उम्मीदवार को, मतदान किए गए वोटों की बहुलता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित करने की अनुमति देती है। तेज लिखा कर बेटा थोड़ा, चुनाव प्रणाली किसी उम्मीदवार को मतदान किए गए वोटों की बहुलता के आधार पर, स्पीड से लिख, जब रफ करती तो तेजी लिखा कर, उम्मीदवार को मतदान किए गए वोटों की बहुलता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित करने की अनुमति देती है। जो ज्यादा पा गया वो घोषित हो गया। एफ पी टी पी इलेक्ट्रोल सिस्टम अलाउज अ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरलिटी, यहां बहुलता शब्द बोलना चाहता, प्लूरल से बना हुआ है, ऑफ वोट्स पोल्ड यानी निर्वाचित हो गया, एंड नॉट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पोल्ड, समझ गए ना, एंड नॉट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पोल्ड, ना कि मतदान किए गए बहुमत के आधार पर, ना कि मतदान किए गए बहुमत, ना मतदान किए गए बहुमत का मतलब बच्चा डाले गए वोट्स का मेजॉरिटी, डाले गए वोट का मेजॉरिटी होगा जैसे 50+1, नॉट वोटिंग का मेजॉरिटी नहीं है यहाँ पे, यहाँ कैंडिडेट्स में जो ज्यादा पाएगा वो जीतता है, यहाँ बहुलता की बात है, ठीक है। अब आगे ये हम क्यों बता रहे हैं लिखिएगा, थस अ कैंडिडेट विद एज लो एज 25-30% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड, 25-30% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड में गेट इलेक्टेड, 25-30% वैध वोट पाने वाला भी निर्वाचित घोषित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसका फायदा क्या हुआ, असल में कोई भी व्यक्ति है, मैंने तो जाति वाला बताया थोड़ा सा कि अपने जाति को देख लेता है, और कोई अपराधी टाइप का है वो भी सोचता है यार मेरा ये वाला जो है इतना वोट तो पक्का है, और ये वोट अगर मिल गया ना तो मेरी जीत भी हो सकती है। कोई अपराधी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आधे लोगों को रिझाना बहुत कष्टकारी काम होगा, लेकिन 25-30% लोगों को अपने फेवर में अगर हैं तो चुनाव भी जीत सकता है, इस कारण से भी अपराधी पहुंच जाते हैं। आपको मैं बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग आज भी जो समझदार लोग हैं, समझदार लोग का मतलब सभी समझदार हैं, बट समझदारी का भी स्ट्रेटिफिकेशन है भाई, कानून कम ज्यादा सब जानते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जानता है बाकी तो नहीं जानते ना, तो स्ट्रेटिफिकेशन में, राइट्स में, ड्यूटी में, इंफॉर्मेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, पढ़ाई लिखाई में, आर्थिकी में, सोशली, सब स्ट्रेटिफिकेशन है ना,
सब एक एक जैसे कैसे हो सकते हैं? एक जैसे है ही नहीं, न रूप रंग है, न नाम गांव है, न एक जैसा सोच है, न एक जैसी समझ है, कोई एक जैसा नहीं है। ऐसे ही आर्थिकी में कोई सब एक जैसे नहीं है। डेमोक्रेसी में ठीक है, वोट सबको देने का एक ही है, लेकिन तरीका सबका सोचने का अलग अलग है। तो ऐसा कुछ सिमिलरिटी नहीं है। आप जरा देखें कि जो लोग, मैंने बोला कि स्ट्रेटिफिकेशन, जहां डेमोक्रेसी की सही समझ समझ रखते हैं, हो सकता है ज्यादातर लोग उसमें कैंडिडेट को वोट देते हों, और कैंडिडेट उनके सामने अगर गलत ला दिया आपने, तो हो सकता है उसको वोट ना दे। नोटा देने वाले कौन लोग हैं? नोटा किसने दिया? कभी कभी नोटा ही ज्यादा पड़ जाता है। नोटा यह है कि तुमने जो कैंडिडेट हमारे सामने रखा, एक भी कैंडिडेट इलेक्शन के लायक नहीं है, मैं वोट नहीं दूंगा उसको। नोटा का बटन दबाया उसने। नोटा एक आया, एक प्रोविजन है ईवीएम में कि अगर आपको इलाके विशेष का कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप अपनी नापसंदी को वहां दिखा सकते हैं। भाई आपने बीजेपी को दिया तो कैंडिडेट बीजेपी का पसंद है, कांग्रेस को दिया तो उसका पसंद है, आम आदमी पार्टी को दिया तो उसका पसंद है, समाजवादी पार्टी को दिया तो उसका पसंद, कोई भी पार्टी को आप दिए तो ये पता तो चल गया कि उसका मत है। लेकिन पता चला कि जितने राजनीतिक दल वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से किसी का भी कैंडिडेट ठीक नहीं है, तो आपने नोटा का बटन दबा दिया। तो जो नोटा का बटन दबाया, गौर करना मेरी बात को, जो नोटा का बटन दबाया उसने बीजेपी के कैंडिडेट का भी एनालिसिस किया होगा, कांग्रेस के कैंडिडेट को भी विश्लेषित किया होगा, बाकी दलों के कैंडिडेट को भी बाकायदा उनको समझा होगा, तब देखा होगा कि यार ये सभी ठीक नहीं है, नोटा दबा के चला है। यानी किसी को सिलेक्ट नहीं करना, ज्यादा मेहनत किया है वो। अगर मुझे अच्छे मार्क्स आपकी कॉपी में देना है, मान लो 10 नंबर में से, तो 10 या 9 नंबर देने के लिए हमको पढ़ना नहीं आपकी कॉपी, लेकिन आपको फेल करना है मुझे, या मुझे बिल्कुल कम नंबर देना है, तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा। क्योंकि अगर बिना पढ़े फेल कर दिया और आपने चैलेंज कर दिया, तो आप चैलेंज भी तो कर सकते हैं ना। आपने चैलेंज किया कि साहब हमने तो ठीक लिखा था, इन्होंने क्यों काट दिया, तो हम फंस जाएंगे। लेकिन जब हम आपको 10 में 10 देंगे, तो आप चैलेंज ही नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ ना लिखे हो, अच्छा ही लगेगा आपको। इसीलिए देखे होंगे कि टीचर्स वगैरह जो है ना, नंबर ज्यादा देने में इसलिए बिलीव करते हैं कि अपनी जान बची रहेगी। समझ गए ना बात? नोटा दबाने वाला सबको समझा है, तभी तो पाया कि कोई वोट के लायक नहीं है। और कुछ उसमें दूसरे लेयर के लोग होंगे, सोचेंगे यार ये नहीं, ये वाला कैंडिडेट ठीक है। कुछ ऐसे हैं कैंडिडेट, कोई भी हो, तेरी ऐसी की तैसी, अब की बार वही लगेगा चाहे जो कैंडिडेट हो। तो इस फिलॉसफी के भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वोटर हो गए यहां पे। और 25-30% वोट पाने वाला भी पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। तो यहां पर वोटों की बच्चा मेजॉरिटी नहीं है, पड़े हुए मतदान की मेजॉरिटी से कोई चुनाव नहीं जीतता, बल्कि खड़े हुए कैंडिडेट की तुलना में जो ज्यादा पाता है वो जीतता है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। और इस थ्योरी के कारण भी कई अपराधियों को पता है कि 25-30% वोट अगर जुगाड़ हो गया तो हम चुनाव जीत सकते हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कुछ अपने अपराध से, कुछ अपने बाहुबल से, कुछ अपने धन से, कुछ यहां वहां जात पात जोड़ जुगाड़ से वो बना ले जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो एक प्रकार से पॉलिटिक्स है, वो कैनिबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाती है। तो लास्ट लाइन यही लिख लीजिए।
क्रिमिनल्स डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिक्योर, क्रिमिनल्स डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिक्योर द बोट्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दियर मनी एंड मसल्स पावर. अपराधियों को अपने धन और बाहुबल के इस्तेमाल के कारण है ना वोट हासिल करना मुश्किल नहीं लगता, कितना जितने वो जीत लेते हैं, ठीक है ना. लिखो पार्लियामेंट थ्रू द आरपीए आरपीए समझ गया बच्चा क्या हुआ. हाँ, पार्लियामेंट थ्रू द आरपीए हैज प्रेस्क्राइब्ड फर्दर क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप टू पार्लियामेंट आर टू अ लेजिस्लेटिव असेंबली. पार्लियामेंट आर लेजिस्लेटिव असेंबली आरबीए के माध्यम से संसद ने संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अतिरिक्त योग्यताएं और अयोग्यताएं निर्धारित की हैं, ठीक है ना. जैसे राहुल गांधी को आपने देखा होगा अयोग्य घोषित किया था कोर्ट ने, ध्यान आ रहा है कि नहीं, है ना. और अयोग्य क्यों घोषित किया गया, आप जाएंगे तो आरपीए के एक्ट में एक 8A करके है क्लॉज, उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई भी कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट भी अगर किसी पार्लियामेंट्रियन या विधानसभा के किसी सदस्य को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है. और पूरे इंडियन कॉन्टेस्ट में आप इस चीज को खंगालेंगे तो राहुल गांधी पहला कैंडिडेट है जिसका इस क्लॉज के तहत मेंबरशिप गई थी और उस पर मामला था मानहानि का. कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की उस टिप्पणी के मातहत उन पर मुकदमा होगा. उस मुकदमे में गुजरात के एक निचली अदालत ने उनको ठीक दो साल की सजा सुनाई. ठीक दो, अगर 2 साल में एक दिन भी कम की सजा होगी तो सदस्यता नहीं जाएगी. ठीक 2 साल की सजा सुनाई जिसके कारण उनकी सदस्यता गई, बंगला छीना, सब कुछ हुआ. और बाद में हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस सजा को सस्पेंड कर दिया, ठीक है. दरअसल पहले जो एक प्रोविजन लाने का प्रयास था मनमोहन सिंह साहब की सरकार में, और ये राहुल गांधी की वजह से ही नहीं हुआ था. मनमोहन सिंह एक बिल ला रहे थे कि निचली अदालत अगर सजा 2 साल से ज्यादा देती है तब भी सदस्यता नहीं जाएगी, इस तरीके का एक बिल 2013 में वो ला रहे थे. और यह बिल लाने का मोटिव था लालू प्रसाद यादव की सदस्यता को बचा के रखना, क्योंकि उनको निचली अदालत में 2 साल की ज्यादा की सजा की संभावना थी, लगा कि अगर होगा तो वो मेंबर बने रहेंगे. और एक रसीद मसूद था, सहारनपुर का संसद होता था कांग्रेस का, उस पर भी कुछ ऐसा मामला था, तो वो सबके लिए कानून हो जाता.
राहुल गांधी ने उस बिल को पार्लियामेंट में फाड़ के फेंक दिया था। उस बिल को ही फाड़ के फेंक, अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार के बिल को फेंक दिया था फाड़ के। और अचरज की बात यह है कि उसी कानून का सजा जिसको वो बदल रहे थे, उसी कानून का पहला कैंडिडेट राहुल गांधी है जिसको सजा मिली। और कमाल की बात यह भी है कि मानहानि के मामले में 2 साल की जो सजा सुनाई गई, ठीक 2 साल की ही सुनाई गई, ना इंच भर कम ना इंच भर जा, मतलब घंटे 2 घंटे का भी अंतर नहीं रखा। 2 साल 64 दिन 12 घंटा ये भी नहीं हुआ, सिर्फ यार क्या लिखा, दूसरा लिखो, सेक्शन 8 अभी बता रहे थे ना, अभी सेक्शन 8 बताया था ना, हाँ, उसी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लिस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, अधिनियम की धारा 8 में कुछ अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, कुछ अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, विच इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड, यदि किसी व्यक्ति को उनमें से कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफ देम, यदि किसी व्यक्ति को उनमें से किसी के लिए दोषी ठहराया जाता है, कामा डिस्क्वालिफिकेशन हिम फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड, डिस्क्वालिफाइज कर दो, डिस्क्वालिफाइज हिम फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड कामा आर कॉन्टिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव मेंबर, एमएलएज लिख दो। दोषी ठहराया जाता है तो उसे निर्वाचित होने, या संसद या विधानसभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, ठीक है, है ना, लिख लो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस, लिखो लाइक एग्जांपल लिखो, इन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस राहुल गांधी कन्विक्टेड एंड कन्विक्टेड, है ना, थ्रू दिस एक्ट एंड आर्टिकल, एक्ट एंड सेक्शन,